बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। यहाँ पे हम बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए आप सिल बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे प्याज हमने काट लिए हैं और टमाटर, हरी मिर्चें, और यहाँ पे जो है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह और सफ़ेद ज़ीरा है। और यहाँ पे प्याज हम हल्के से ब्राउन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर उसमें जो है बैंगन जो हमने मैश किए थे वो ऐड कर लेंगे। और उसके बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और हमारा जो है बैंगन का भरता वो रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम एक और चीज़ बना रहे हैं, वो भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और आगे हम बना रहे हैं तंदूरी रोटी, और वो भी तवे पर। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बिल्कुल जायका जो है वो तंदूरी रोटी का ही आता है। तवे पे इसको हम बनाएंगे। वो कैसे हम बनाएंगे, जैसे हम पेड़ा जो आम बनाते हैं ऐसे बना के रोटी बना ली, उसके बाद इसकी बैक साइड पे हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। फिर अच्छी तरह से तवा गर्म हो जाएगा जब, तो उसके ऊपर डाल देंगे। और जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये देखें अभी हम पानी लगा रहे हैं, और फिर हम तवे के ऊपर डाल देंगे। जब तवे के ऊपर जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे ना, और फिर तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जो है इसको तवे समेत आग की तरफ इसका रुख कर देना है रोटी का, तो ये नीचे गिरेगी नहीं क्योंकि हमने इसको पीछे से पानी लगाया हुआ है। तकरीबन 4-5 मिनट में ये रोटी रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रोटियां मेरी अम्मी ने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।